सिर्फ 899 रुपीस में आपको एक TWS दिखाने वाला हूं, जो कि मेड इन इंडिया है और काफी बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है, साउंड क्वालिटी काफी गजब है और आप भी देखकर बोलोगे हाँ भाई पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो देखें इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग, फीचर्स, क्वालिटी और मेरे रिव्यू को। तो दरअसल ये पीटरॉन ने मुझे एक एसेंशियल एक्सेसरीज का बैग भेजा था, यहाँ पर बी बोर्ड बी देसी लिखा हुआ है, मतलब यार यहाँ पर सब इंडियन माल देखने को मिलने वाला, मेड इन इंडिया, और साथ में एक ग्रीटिंग भी मुझे सेंड किया था। यहाँ पर ये एक टाइप सी केबल देखने को मिली थी, मुझे चार्जर देखने को मिला था, पावर बैंक और एक TWS बेस बड प्लस। तो मैंने जब इसको टेस्ट करा, इसको यूज़ करा, मुझे लगा यार आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और पैसा वसूल प्रोडक्ट मुझे लगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें इसका बॉक्स कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, साइड में बेस बड प्लस देखने को मिलेगा और पीछे इसके कुछ फीचर्स वगैरह दे रखे हैं जिनके बारे में आगे आपको बता दूंगा, आप एक बार इसके फीचर्स भी देख सकते हो पॉज कर वीडियो। तो यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 3.5 घंटे का कॉलिंग टाइम देखने को मिलेगा, 4 घंटे का म्यूजिक टाइम सिंगल चार्ज पर, और इसको आप 3-4 बार चार्ज कर सकते हो, और मेरे हिसाब से 11-12 घंटे का आपको इसको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाना चाहिए। IPX4 की रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। 8mm का इसमें आपको ड्राइवर साइज देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा, इसमें बिल्ट इन माइक है और LED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो फटाफट से इस बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कार्ड देखने को मिलेगा जिससे आप इसकी वारंटी वगैरह के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़र मैनुअल के लिए QR कोड दे रखा है, स्कैन करके मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर 2 पेयर हमें एक्स्ट्रा ईयरबड्स के देखने को मिलेंगे, माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी चार्जिंग के लिए, टाइप सी नहीं मिलती क्योंकि भाई बजट हमें ईयरबड्स देखने को मिलती है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, इसमें काफ़ी सारे और भी कलर्स देखने को मिलेंगे। अंदर देखें LED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा और कौन सी चार्ज हो रही है, इसमें लेफ्ट और राइट वाली ये LED इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छे मुझे देखने को मिल गया। और यहाँ पर देखें यहाँ पर ये होलो सा नहीं है, मतलब खोखला नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सॉलिड टाइप दिया गया है, जिसकी वजह से ईयरबड्स अंदर से ये वाइब्रेट या फिर खड़खड़ की आवाज़ नहीं आती, जो कि मुझे काफ़ी बार प्रॉब्लम होती थी। मैंने पहले भी आपको काफ़ी TWS में ये चीज़ बताई है। और अंदर ईयरबड देखें ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, मुझे इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पर भी एक LED इंडिकेटर है। तो बात करता हूँ उसकी बिल्ड क्वालिटी और फिटिंग के बारे में, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है यार, जिस प्राइस में आता है उस प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि काफ़ी चीप है या फिर ऐसे ही उल्टा सीधा मटेरियल से बना दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी दिखने में अच्छी लगती है, मुझे बिल्ड क्वालिटी से कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है। और इसकी फिटिंग के बारे में बात करूँ तो फिटिंग से अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था और फिट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है, मतलब ऐसा गर्दन वगैरह हिलाएंगे तो वो बाहर निकल के नहीं गिरेगा, काफ़ी अच्छे से आपके कान में फंस जाती है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील भी होता है। तो अब बात करता हूँ उसके साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्रिस्प है, क्लियर है। देखो 899 रुपीज़ में आपको देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से इसकी जो साउंड है ऐसा नहीं है कि मैं बेकार बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है, मतलब उसके कंपैरिजन में इस प्राइस में, मैंने और भी TWS टेस्ट वगैरह करी है तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। इनकी पहले बेस बड्स भी आई थी, उसकी भी मैंने काफ़ी तारीफ करी थी उसकी साउंड क्वालिटी की, तो अगेन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्रिस्प है, क्लियर है। जैसे कि इसका नाम है बेस बड, तो बेस बड तो बेस के हिसाब से आपको बेस मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से बेस मिलती है, लेकिन ऐसी ज़्यादा थम्पी सी या फिर वाइब्रेशन फील करा देने वाली ऐसी आपको बेस नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ आपको बेस देखने को मिलती है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी बेस देखने को मिलती है और काफ़ी सही आपको बेस देखने को मिलती है। बेस ऐसा कुछ सुपर्ब या फिर बिल्कुल धांसू वाली देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो भी मिलती है बेस वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन मैंने इक्वलाइजर को ऑन करा था अपने फ़ोन में, मैंने इक्वलाइजर को ऑन करा और यहाँ पर इसको टेस्ट करा, काफ़ी सारी सेटिंग करने के बाद इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, मैंने काफ़ी सारी प्रीमियम TWS भी यहाँ पर रिव्यू करी है तो उनको कम्पीट करने लगी थी, मतलब साउंड क्वालिटी उनके कंपेरेटिव पहुँच चुकी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप देख लेना इक्वलाइजर आपके फ़ोन में ऑन हो जाता है ब्लूटूथ में, तो आप उसको ऑन करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, देखो यार इस प्राइस में आपको ये काफ़ी बढ़िया TWS देखने को मिलती है। प्राइस आपको फिर से बता दूं, काफ़ी बार बोल चुका हूँ, 899 रुपीज़ देखने को मिलती है। तो इस प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिली है, फिटिंग अच्छी देखने को मिली है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और ओवरऑल काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। और हाँ ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो इसमें चाइना को कोई इसमें वो हाथ नहीं है। तो अगर आपका बजट 1000 से ऊपर का नहीं है, 1000 के अंडर है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, आप बिल्कुल भी नहीं पछताओगे, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। और बात करो गिव अवे की, तो देखो यहाँ पर इसमें लाइक टारगेट रखने वाला हूँ मैं 459 का, 459 लाइक्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे इस पर तो यहाँ पर हमारा गिव अवे लाइव हो जाएगा एक वीक के अंदर अंदर, मतलब एक वीक के अंदर 459 लाइक्स जैसे आएंगे यहाँ पर ये गिव अवे जो है
चालू हो जाएगा और ये एलिजिबल हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, बस आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और सब जगह मुझे फॉलो कर लेना होगा, फिर मैं रैंडमली आपको सेलेक्ट करके विनर को निकाल दूंगा। तो लाइक करो अभी इस बात पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।